वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज बायोजूम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर पूनम आप सभी के लिए एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कॉमनली एम्स और जिपमर के लिए ही डायरेक्टेड है, क्योंकि एम्स और जिपमर में थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब एम्स और जिपमर किस में इंक्लूड हो गया है? इट इज़ ऑल्सो अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ नीट ना, तो हो सकता है कि जो नीट 2020 है उसके अंदर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल नॉर्मल नीट के लिए थोड़ा सा बढ़ जाए। तो इसमें हम वही एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं जो एम्स और जिपमर में हुआ करती थी। एम्स और जिपमर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आते थे, जैसे कि जब आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पर रैबिट का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये रैबिट इतना पीछे क्यों पड़ा रहता है, क्योंकि राजस्थान के जो सिलेबस है उसके अंदर रैबिट को पढ़ाया जाता है, वहाँ पे रैबिट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनको पॉइंट ऑफ व्यू करने के लिए रैबिट को इंक्लूड किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द डाइजेस्टिव सिस्टम और एनी अनदर ऑर्गेनेल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विद द ह्यूमन बींग। हम यहाँ पे रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन बींग के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम को इधर इंक्लूड किया है और ह्यूमन बींग का डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पे इंक्लूड हमने किया है। क्लियर? ओके, यू नो रैबिट इज हर्बीवोर, तो वो क्या खाता है, फल फ्रूट वगैरह खाता है ना भाई, तो इसीलिए उसके अंदर नॉर्मली सेलुलोज का अमाउंट ज्यादा होता है, तो सेलुलोज बेस्ड फूड ज्यादा है उसके डाइट में, तो इसीलिए द रैबिट हैव कैपेबिलिटी टू डाइजेस्ट द सेलुलेज इन द प्रेजेंस, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सेलुलेज एंजाइम, एंड दैट सेलुलेज एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स और द सीकम रीजन। ओके, तो इसका मतलब वहाँ पे सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लेकिन यू नो ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर, तो उसके अंदर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट दोनों टाइप की डाइट होती है, तो उसके अंदर उस तरह के एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन ज़्यादा रहता है। ओके, जो रैबिट होता है, रैबिट के जो लिप्स होते हैं, अपर लिप के अंदर आपको क्लेफ्ट मिलता है, अगर आप उसका लोअर लिप देखें तो ऐसा होगा, और जो अपर लिप है वो अपर लिप ऐसा होता है, तो इसका मतलब एक कट लगा हुआ होता है उसके अपर लिप के अंदर और उसको बोलते हैं क्लेफ्ट। ए क्लेफ्ट इज फाउंड इन द अपर लिप ऑफ ए रैबिट, ह्यूमन बींग के अंदर ऐसा कोई नहीं होता, आपको पता है। ओके, क्योंकि ह्यूमन बींग नॉन वेज में भी आता है, तो इसीलिए उनके अंदर जो डेंटिशन में जो कैनाइंस होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो इसलिए ह्यूमन बीइंग हैविंग द डेवलपमेंट ऑफ कैनाइन टीथ, उनके अंदर कार्निवोरी को देखते हुए उसमें कैनाइन टीथ, ऐसे शार्प टीथ मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन रैबिट के अंदर कोई कैनाइन टीथ नहीं होता, इसका फॉर्मूला भी मैं करवाने वाली हूँ। तो इसमें कैनाइन हमें मिलते हैं, अगर हम रैबिट का डेंटल फॉर्मूला देखें तो आपको अभी बताया मैंने उसमें कैनाइंस नहीं होते, तो उसके अपर वाला जो जॉ होता है उसके अंदर 2 इंसिजर होंगे, कैनाइन नहीं होते, प्री मोलर 3 होते हैं और मोलर भी अपर जॉ के अंदर 3 होते हैं, और रैबिट के लोअर में इंसिजर 1 ही होता है, इंसिजर, कैनाइन नहीं होते, प्री मोलर 2 होते हैं एंड मोलर 3 होते हैं, तो इसका मतलब रैबिट के अंदर टोटल 14 ऊपर 14 नीचे 28 टीथ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ह्यूमन बींग का आपको पता है बेटा डेंटल फॉर्मूला जो हो क्या होता है, 2123 और 2123, इसका मतलब हमारा अपर जा और लोअर जा इक्वली डेवलप होता है और उसके अंदर टोटल 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं सेलिवरी ग्लैंड की, रैबिट के अंदर कौन कौन सी सेलिवरी ग्लैंड होती है। फर्स्ट, इसके अंदर 4 सेलिवरी ग्लैंड डेवलप्ड हो चुकी होती हैं। फर्स्ट इज द इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्बिट जो है, और यहाँ पे जो ऑर्बिट है किसके लिए यूज किया गया है, उसके आई का जो ऑर्बिट होता है वो डेवलप होता है, तो आई की ऑर्बिट के नीचे फर्स्ट सेलिवरी ग्लैंड होती है, फिर पैरोटिड है वही ईयर के पास होती है, फिर सब मैक्सिलरी होती है, और जो सब मैक्सिलरी है वही किसके, उसके
जो टीथ्स होते हैं लोअर जॉ वाला टीथ उसके पास प्रेजेंट होती है। ह्यूमन बीइंग में भी सेम है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन अलग होती है, यहाँ पे पोजीशन अलग होती है। पैरोटिड सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी। हमारे यहाँ पैरोटिड कौन सी होती है, जो हमारा ईयर पीना खत्म होता है वहाँ पे। सबलिंगुअल कहाँ होती है, हमारे जो टंग का लास्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे होती है, और सबमैक्सिलरी थोड़ी सी आगे प्रेजेंट होती है। क्लियर। जो रैबिट है, रैबिट के अंदर सीकम वाला रीजन और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो वेल डेवलप्ड होता है फॉर द रिलीज ऑफ एंजाइम सेलुलेज और फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। और ह्यूमन बीइंग के अंदर यू नो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल एंड देयर इज इट इज एक्ट एज ए लिम्फोइड ऑर्गन, नॉट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सेलुलेज एंजाइम। क्लियर। उसके बाद में जो रैबिट का रेक्टम रीजन होता है वो रेक्टम बीडेड होता है, क्योंकि जो रैबिट है, रैबिट के जो फीकल मैटर होते हैं वो पैलेट्स की फॉर्म में होते हैं, ड्राई फॉर्म में होते हैं, तो ऐसे उसका जो रेक्टम होता है वो ऐसे डेवलप होता है और फिर उसके बाद में नीचे एनस आता है। लेकिन हमारे केस में जो रेक्टम होता है वो रेक्टम कैसा होता है, सिंपल ऐसे और फिर नीचे जाके एनल कैनाल एंड एनस होता है। तो जो रैबिट है, रैबिट का रेक्टम कैसा होता है, बीडेड होता है, और इसका हमारा नॉन बीडेड होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो फीकल मैटर है वो पैलेट्स की फॉर्म में होता है, ड्राई पैलेट्स की फॉर्म में, हमारे में सेमी सॉलिड होता है। और यू नो जो रैबिट होता है, रैबिट के फूड में सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है और ये सेलुलोज कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता सेलुलेज की वजह से, और ये इसकी डाइट में सेलुलोज बहुत ज़्यादा सेलुलोज वेस्ट फॉर्म में चला जाता है। किस में, इसके फीकल मैटर में। इसका मतलब जो रैबिट का फीकल मैटर है इट कंटेन फ्यू अमाउंट ऑफ सेलुलोज, तो इसीलिए रैबिट अपने फीकल मैटर को खुद खा जाता है, और इस तरह के नेचर को हम बोलते हैं कोप्रोफेगी एंड द ऑर्गेनिज्म इज कोप्रोफेगस। कोप्रोफेगस मीन इंजेशन या इनटेक ऑफ द ओन फीकल मैटर। ह्यूमन बींग के अंदर कोई डाइजेस्टेड सारा का सारा वेस्ट होता है, रगेज ही मिलता है, तो इसीलिए देर इज नो एनी टाइप ऑफ द कोप्रोफेगी। क्लियर। इसके अलावा रैबिट के अंदर और क्या चीजें हैं, रैबिट के अंदर एक पेयर नेजो पैलेटाइन डक्ट होती है जो कहाँ खुलती है, उसके हार्ड पैलेट के ऊपर खुलती है, और ये नेजो पैलेटाइन डक्ट उसके बकल कैविटी को उसके नेजल कैविटी के साथ जोड़ती है। इसके पीछे एक रीजन होता है, मैंने यहाँ पे क्यों बताया है, क्योंकि ये जो डक्ट मैंने बताई है नेजो पैलेटाइन डक्ट, ये जो इसके नेजल और बकल कैविटी को जोड़ रही, क्योंकि इसको नेजो पैलेटाइन जो नेजल एरिया होता है उसके पास भी कुछ ग्लैंड होती हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं। तो रैबिट के पास नेजो पैलेटाइन डक्ट है जो हार्ड पैलेट के एंटीरियर पार्ट पे खुलती है एंड इट कनेक्ट द बकल कैविटी टू द नेजल कैविटी, एंड दिस नेजो पैलेटाइन एरिया हैविंग द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, और उन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो कॉमनली बहुत बार पूछे जाते हैं, जिसको बोलते हैं जैकॉब्सन्स ऑर्गन, या इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज़ कॉल्ड जैकॉब्सन्स ऑर्गन, या इसको बोलते हैं वोमेरो नेजल ऑर्गन। वोमर बोन और नेजल बोन के एरिया के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था पहले नीट में, वो भी पूछा गया था कि जैकॉब्सन्स ऑर्गन स्नेक के अंदर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो होता है उसका क्या नाम होता है, तो वो क्या है, जैकॉब्सन्स ऑर्गन। तो जैकॉब्सन्स ऑर्गन रैबिट के अलावा और किस में डेवलप होते हैं, जैसे कि स्नेक है, लिजार्ड है, स्पिनोडोन है, इनके अंदर ये डेवलप होते हैं। क्लियर, ओके। और डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में बात करें तो रैबिट के अंदर उसकी बाइल डक्ट और उसकी पेंक्रियाटिक डक्ट दोनों कॉमन नहीं होती, वो सेपरेटली खुलती है। हमारे अंदर बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट पहले दोनों मिलती हैं, हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला बनता है और फिर ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू ड्यूओडेनम के अंदर खुल जाती है, लेकिन इसके अंदर ये दोनों सेपरेट होती हैं। जो रैबिट की जो बाइल डक्ट होती है वो कहाँ खुलती है, ओपन इन द प्रॉक्सिमल लिंब ऑफ द पैंक्रियाटिक डक्ट बाय स्फिंक्टर ऑफ कोलेडोकस। क्लियर। और रैबिट के अंदर जो लास्ट इलियम का लास्ट पार्ट डायलेटेड होता है, क्योंकि सीकम बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना उसमें, तो उसके सीकम को बोला जाता है सेक्युलस रोटेंडस, इट इज द मोस्ट डायलेटेड पार्ट आफ्टर द इलियम। तो इलियम के बाद में क्या आएगा, इलियम के बाद में सीकम आता है। क्लियर।
ओके इसके अलावा कुछ अगर एक दो फैक्ट और बताऊं मैं आपको, नेचर के अंदर सबसे मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है जो बहुत इजीली मिलता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एंड दैट इज़ द विटामिन ई. विटामिन ई सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है. इट रिड्यूस द ऑक्सीडेंट एटम या ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन अवर सेल. तो सेल के अंदर जितने भी फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है, उनको न्यूट्रल करता है और सेल को एजिंग से बचाता है, सेल के अंदर हार्मफुल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को बनने से बचाता है विटामिन ई. विटामिन B12 जो होता है वो प्लांट्स के पास नहीं होता, ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया ही इसको बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर. इसके अलावा जो स्पिरुलिना है, जो काई है, उसके पास विटामिन B12 होता है, इसीलिए स्पिरुलिना की टैबलेट्स भी मिलती हैं, स्पिरुलिना के कैप्सूल मिलते हैं जो एज ए न्यूट्रिटिव डाइट खाया जाता है. जो जो स्पेस में जाते हैं उनको, उनका बहुत सारा फूड नहीं दिया जाता, उनको स्पेशली स्पिरुलिना के कैप्सूल दिए जाते हैं, स्पिरुलिना उनके साथ दिया जाता है बिकॉज इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ द विटामिन B12. इसके अलावा कुछ एंटी कैंसरस विटामिन भी होते हैं, जैसे कि विटामिन ए एंड विटामिन B17. विटामिन B17 अभी लेटेस्ट इसको डिस्कवर किया गया था एंड इट इज़ फाउंड इन द जूस ऑफ द वीट ग्रास के जूस के अंदर विटामिन B12 मिलता है, जो जिसके पास एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है. ओके इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और इंक्लूड कर रही हूँ, एक छोटा सा टॉपिक और इंक्लूड कर रही हूँ मैं इसमें, रुमिनेंट स्टमक के बारे में, कि जो कंपाउंड स्टमक या रुमिनेंट स्टमक है वो कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है. एक बार सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रुमिनेंट के कौन से स्टमक के अंदर फर्मेंटेशन होती है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि जो रुमिनेंट्स हैं, जो काओ बफेलोज वगैरह ये होते हैं, उनके अंदर कंपाउंड स्टमक होता है एंड द स्टमक हैविंग द फोर चैम्बर. उनका जो पेट होता है वो चार चैम्बर का बना हुआ होता है, रुमेन, रेटिकुलम, ओमैसम, एबोमैसम. रुमेन, रेटिकुलम, ओमैसम, एबोमैसम, इन थोड़ा सा इन चारों के बारे में हम पढ़ते हैं. सबसे पहला है रुमेन. पहले तो यही पढ़ लो कि फर्मेंटेशन किस पार्ट में होता है. रुमेन एंड रेटिकुलम पार्ट दोनों के अंदर सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड बैक्टीरिया मिलते हैं, और जहां पे ये मिलते हैं तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करके वहां पे फर्मेंटेशन करते हैं, जिसकी वजह से उनका फूड, जो इतना हार्ड फूड हम उनको देते हैं, वो जो खाते हैं तो वो इजिली डिग्रेड हो जाता है. रुमेन जो है इसको पॉच भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट चैम्बर होता है इन चारों के अंदर से. ओके इससे रुमेन से रिलेटेड एक बात और बताती हूँ मैं. कैटल्स के अंदर रुमेन पार्ट और ईसोफेगस दोनों के अंदर वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, तो इसीलिए जो कैटल्स वगैरह होते हैं वो रीगर्गाइटेशन से या रिवर्स पेरिस्टालसिस से अपना फूड बाहर निकालते हैं माउथ में, उसको च्यू करती हैं और फिर दोबारा ले जाते हैं. तो इसका मतलब रुमेन एज वेल एज द ईसोफेगस ऑफ द रुमिनेंट्स या कैटल्स हैविंग द रिवर्स पेरिस्टालसिस कैपेबिलिटी बिकॉज दे हैविंग द वॉलेंट्री मसल्स. ओके जो रेटिकुलम है इसको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, बहुत छोटा सा होता है, ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है. ओमैसम जो है इसको सॉल्टेरियम बोला जाता है, एंड जो रेटिकुलम है, सॉरी ओमैसम है, वो रुमिनेंट के अंदर, कैमल के अंदर नहीं होता और डियर वगैरह के अंदर ये नहीं मिलता है, और सभी के अंदर ये प्रेजेंट होता है. और जो लास्ट पार्ट है ओमैसम के बाद में एबोमैसम, इसी एबोमैसम को ट्रू स्टमक बोला जाता है, क्योंकि रियल में जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है वो गैस्ट्रिक जूस एबोमैसम पार्ट प्रोड्यूस करता है और केमिकल डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है. इसका मतलब जो रुमेन एंड रेटिकुलम है, रुमेन के थ्रू तो चबाया जाता है फूड को, क्योंकि इससे दोबारा जो कैटल से एक बार तो पेट को भर लेती है, उसके बाद में वो रीगर्गाइटेशन से अपने माउथ के अंदर निकाल के च्यू करती है बिकॉज ईसोफेगस एंड द रुमेन उसमें हेल्प करता है. जो रेटिकुलम है वो छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर फर्मेंटेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद में जो ओमैसम है वो ओमैसम रिसीव करके फूड को किसके पास देगा, एबोमैसम के, एबोमैसम के अंदर ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती. तो इस तरह जो रुमिनेंट्स हैं वो अपने डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं.
ओके तो ये जो वीडियो थी, ये वीडियो मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के लिए बनाई थी, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जनरली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं दिए होते बट इनका लिंक होता है डायरेक्ट एम्स एज वेल एज द जिपमर एस्पिरेंट्स के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। थैंक यू।